हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्पेशल किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ पोहा आलू का टेस्टी नाश्ता, जो बहुत ही चटपटा है, कुरकुरा है, टेस्टी है। तो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी पोहा लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। अभी मैं इसे इस बाउल में डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी और इसे 2 से 3 मिनट तक भिगो कर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब तक पोहा सॉफ्ट होता है, हम ये आलू ले लेते हैं। मैंने 5 आलू लिए हैं, बॉयल आलू हैं ये छोटे साइज़ के। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हो तो आप 2 ही लें। तो चलिए अब हम इसे क्रश कर लेते हैं। तो सारे आलुओं को हम क्रश कर लेंगे। सारे आलूओं को मैंने क्रश कर लिया हुआ है। तो 2 मिनट भी हो चुके हैं, ये अच्छे से नरम हो गया हुआ है। अभी सारा पानी हम निकाल लेते हैं। तो सारा पानी देखिए मैंने निकाल लिया हुआ है। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल लूँगी और इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। साथ में ही हम आलू भी डाल लेंगे। साथ ही में हम ले लेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई। आपको सारी सब्जियां जो हैं बारीक ही काटनी हैं। और थोड़े से मटर के दाने, और आपके घर में जो सब्जी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। और हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच। इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम नमक ऐड कर लेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च 2 चम्मच। अभी सबको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक डो जैसा बना लिया है। अभी हम एक थाली ले लेंगे और इसे मैंने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीसिंग की हुई है। ये सारा डो जो है इसके बीच में डालूंगी मैं और इसको अच्छे से फैला लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। अभी 10 मिनट के लिए मैं इसे फ्रीजर में रखूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, हमें इसका पतला घोल बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम और मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। और डालेंगे, तो ये पतला घोल मैंने रेडी कर लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं और ये फ्रीजर में से मैंने निकाल लिया है। अभी हम इसे कट करेंगे और काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुका है। आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इस तरीके से काटूंगी। तो मैंने ये कट कर दिया हुआ है, अभी हम निकालेंगे, एक साइड से निकालेंगे, आराम से निकालें, ये देखिए इस तरीके से। और ऐसे ही हम सारे निकालेंगे। तो ये मैंने पीसेस सारे निकाल लिए हुए हैं। अभी मैं एक पीस लूँगी और उसको कॉर्न स्टार्च के जो घोल बनाया हुआ है उसमें डालूंगी इस तरीके से। और फटाफट इसको ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, उसके साथ अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। और कोटिंग करने के बाद प्लेट में रखते जाते हैं, ऐसे ही सारे पीसेस को करेंगे। तो इन सब को मैंने रेडी करके रख लिया है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल मैंने पैन में ऑलरेडी रखा हुआ था जो कि गर्म हो चुका है। अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे
और एक एक करके डालेंगे। उलटते पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे। बन चुका है, इसे निकाल लेते हैं। तो अभी एक और डालेंगे। हम सारे बनाएंगे। तो आलू पोहे का नाश्ता मैंने सर्व कर लिया है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, क्रिस्पी है, और इसे मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्ट लगेगा आपको। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट बनाइए, इसे सबको खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।